स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे, जिसमें आज हमने ये क्वेश्चन लिया है फाइंड द मिसिंग नंबर। जो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ हमें बताना है कि यहाँ क्या आने वाला है। ये SSC 2019 का क्वेश्चन है जो कि हमने लिया है, ताकि आप लोगों को एक अवेयर हो जाए कि ये क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पास, देखें तो यहाँ एक छोटी वैल्यू, यहाँ भी छोटी वैल्यू, यहाँ एक बड़ी वैल्यू है, यहाँ एक छोटी वैल्यू, यहाँ छोटी वैल्यू, यहाँ एक बड़ी वैल्यू है, यहाँ छोटी, यहाँ भी एक छोटी वैल्यू होनी चाहिए, ये बड़ी वैल्यू, क्योंकि ऑप्शंस में छोटी वैल्यू दी हुई है, ऑप्शन में कोई बड़ी वैल्यू नहीं दी है। तो ऐसे जो सॉल्व करते हैं ऊपर से नीचे, इसको कॉलम वाइज सॉल्यूशन कहते हैं। हमने कॉलम वाइज सॉल्यूशन करना है। अब हम इसे रो वाइज भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। ऐसे भी होता है कि 3 18 से 27 कैसे आया, 34 62 से 98 कैसे आया, और 14 13 से आगे क्या आएगा। लेकिन अब हमने इसको कॉलम वाइज पहले देखना है। कॉलम वाइज अगर हमारा आंसर नहीं आता है तब रो वाइज देखना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉलम वाइज इसमें सॉल्व हो जाते हैं। तो अब हम देखें, 34 जो है, 62 जो है, 98 जो है, तीनों के तीनों जो है सम संख्याएं हैं, मतलब इवन नंबर है, जो कि जिनका आधा भी हो सकता है। तो सबका आधा हम करके देखते हैं। 64 का आधा होता है, 34 का आधा होता है 17, माफ़ कीजिए, 62 का आधा होता है 31। तो आप देखें जो ये 17 है, ये इन दोनों का सम है, और जो 31 है वो इन दोनों का सम है। तो इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 नम 18। तो इन दोनों का जो योग होगा वो 49 होगा। 49 योग होगा, जिसमें से एक 27 है। तो 49 में से अगर 27 माइनस करेंगे तो दूसरी संख्या हमारी सामने आ जाएगी, जो कि 22 है। तो इसका करेक्ट आंसर 22 है। तो आप लोगों ने देखा कैसे इन क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, कैसे हम पता करते हैं कि इसमें कौन सी ट्रिक यूज करनी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।